नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज एक नया ज्वलंत मुद्दा जो इन दिनों में बड़ा चर्चा रहा है, अग्निपथ अग्निवीर। ये तो आज हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। डिटेल के बाद हम पूरी चर्चा करेंगे, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, नुकसान फायदे एक एक चीज की हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, नीचे कोई इस प्रकार का कमेंट नहीं करेगा कि ये तो भक्त है, ये तो चमचा है, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले मैंने इसके नुकसान क्या, इसके लिए मैंने रवीश कुमार का वीडियो देखा, और इसके फायदे क्या, इसके लिए मैंने सुधीर चौधरी का वीडियो देखा था। पूर्णतः इस पर सर्च करके मेरे अपना विवेक के आधार पर बताऊंगा, और फिर आपका भी अपना विचार है, आप अपने विचार नीचे रखेंगे और बताएंगे कि इसके फायदे नुकसान जो भी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह है क्या। इसके अंदर अग्निपथ नाम से भर्ती की जाएगी, और जो भर्ती सैनिक होगा उसे अग्निवीर नाम दे दिया जाएगा। पहली बात है कि भर्ती किस प्रकार, भर्ती तीनों सेना होंगी, हमारी तीन मुख्य सेनाएं हैं, तीनों सेना के अंदर हमारी भर्ती होगी, आर्मी नेवी और एयरफोर्स। बात यह है कि योग्यता क्या रखी गई, वही योग्यता है जो पहले थी, 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और ध्यान रहे, 10वीं पास के बाद में अगर आप नौकरी आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आगे की पढ़ाई भी आप जारी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आयु, आयु है इसकी 17.5 से 21 साल, यानी 17.5 से 21 साल तक आपकी आयु रहेगी, यानी ज्वाइनिंग की जो 17.5 से 21 के बीच 17.5 भर्ती हो, ठीक है। अब बात आई कि वेतन क्या है, वेतन 30,000 से शुरू होकर लास्ट 40,000 तक आपका वेतन चला जाएगा, ठीक है गुरुजी। अब बात आई कि आपने 4 साल नौकरी कर ली, नौकरी करने के बाद भी तनख्वाह तो आपको मिलती है, जैसे 30,000 मिलती है उसका TADA काट लेंगे आपको, काटने के बाद में 30,000 में से लगभग 21-22 हजार मिलेगी। फिर रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए रिटायरमेंट के बाद में आपको 11.71 लाख, लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे आपको। रिटायरमेंट कब, रिटायरमेंट क्या है, जैसे मान लो कि अग्निपथ के तहत 100 लोगों को भर्ती किया गया, 100 में से जिनका वो अपने हिसाब से आगे रखेंगे कि किस हिसाब से वो रखेंगे, पेपर के आधार पे कि फिजिकल के आधार पे, 100 में से 25% को तो वो आगे के लिए रख लेंगे, और बाकी 75% यानी 75 बंदों को वापस भेज, जैसे 10,000 की भर्ती आई तो 10,000 में से जो 2,500 तो वो रख लेंगे, बाकी बचे जो 25% होते हैं, यानी सीधी बात 100 में से 25 वो आगे के लिए रखेंगे और बाकी को घर भेज देंगे, यानी वो 4 साल बाद क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। अब बात यह आती है कि अब हम इसके देखेंगे कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपको बताया कि 4 साल के लिए एक व्यक्ति को भर्ती किया जाएगा, 4 साल में उसको तनख्वाह मिलेगी 30,000 से लेकर लास्ट साल तक 40,000 चली जाएगी, रिटायरमेंट के बाद में उसको 12 लाख रुपए लगभग उसको देके घर भेज दिया जाएगा। रखा किसको जाएगा, बीच में सर कोई अनहोनी, जैसे मान लो बीच में सारी फैसिलिटी मिलेगी, बीच में अगर किसी वजह से वो शहीद हो गया तो उसे 1 करोड़ रुपए तक, किसी वजह से अगर और हुई गड़बड़ तो उसमें 44 लाख रुपए, वो चीजें भी, एक सेना को वीरता के पुरस्कार वगैरह, वो सारी चीजें भी 4 साल के अंदर आपको मिलेगी। अब फिर 4 साल बाद भर्ती होने के बाद में पता दी आपको, 4 साल बाद भेज दिया जाएगा 25%। अब बात हम ये करते हैं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान के। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, इस चीज के फायदों की जिक्र करेंगे, सरकार क्यों लेके आई फायदा, सरकार के क्या क्या फायदे। सरकार का बजट के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, कुल बजट का 28% तो सरकार का तनख्वाह में जा रहा था, 26% सरकार का लगभग पेंशन के अंदर जा रहा था जितना बजट है। अब भी 32 लाख भूतपूर्व सैनिकों को सरकार पेंशन दे रही है, यानी सरकार इस पैसे को बचाना, यानी जितना रक्षा बजट है उसका आधा बजट जो है वो सरकार का पेंशन और सैलरी में चला जाता है। ये तो सरकार के फायदे की बात है, ठीक है। दूसरी बात, हम फायदों की चर्चा करें, नुकसान की बात नहीं करेंगे। औसत उम्र भारतीय सेना में औसत उम्र है 32 वर्ष, एक भारतीय फौजी की औसत उम्र 32 वर्ष, भारतीय फौजी मतलब सारा एवरेज लेंगे ऊपर 32 वर्ष है, ब्रिटेन में 30 वर्ष है, अमेरिका में 27 वर्ष है, यानी अपने वाली को थोड़ी ज्यादा है। इस योजना के बाद में भारतीय फौजियों की औसत उम्र हो जाएगी 26 वर्ष, यानी एक प्रकार से युवाओं की संख्या जो है वो और बढ़ जाएगी, माना कि 32 भी युवा होता है लेकिन और उम्र जो है युवाओं की बढ़ जाएगी, यानी सेना के अंदर युवाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक तो लाभ ये, यानी सेना में युवा ज्यादा होंगे, ये पहला फायदा है। रक्षा बजट में जो खर्च हो रहा है, जो पेंशन और उस पे हो रहा है, वो अन्य चीजों में कर दिया जाएगा, आधुनिक हथियार वगैरह उनमें, ये भी फायदा हुआ है सरकार के, फायदा होगा इससे। अब बात यह कि जो 4 साल फौज में रह के आएगा, 75% जो बाहर होंगे, पहले उनका समाज में फायदा, उनका नुकसान, नुकसान बाद में, सिर्फ फायदे की चर्चा हो रही है। वो जब आएंगे समाज के अंदर तो वो सेना में रह के आए हैं, अनुशासित रह के आए हैं, और हर गली मोहल्ले में एक फौजी मिलेगा अनुशासित फौजी,
तो समाज को एक अनुशासित फौजी मिलने की वजह से समाज का अच्छा फायदा होगा इस चीज के अंदर। ये इस चीज को अगर हम ये देख लें कि ये नौकरी नहीं सेवा है, उस हिसाब से तो इसके फायदे हैं। फिर बात है कि बीमा भी होगी, 1 करोड़ की बीमा भी होगी इसके अंदर, साल में 2 भर्तियां आएगी इसके अंदर, भर्तियां ज्यादा आएगी। जैसे अभी सरकार ने इसके तहत 46,000 भर्ती और अगली साल से 50,000 भर्तियां, यानी भर्तियां भी ज्यादा आने की इसके क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। अब आपको रिटायरमेंट के बाद में यहां भेजा गया, भेजने के बाद आपको क्या फैसिलिटी देंगे वो? पहली फैसिलिटी आपको पैसे तो दे ही रहे हैं, 11-12 लाख जो आपके काटे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। आपको बैंक वगैरह से लोन की सुविधा दी जाएगी, वो अगर आपके पास होगा 4 साल आपको उसमें थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाएगी इसके अंदर। इस भर्ती के बाद में ऑल इंडिया मेरिट निकलेगी, जैसे हमारे अंग्रेजों के जमाने से चीज चलती आ रही है, जो आपने रेजिमेंट सुनी होगी, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस प्रकार से वो चीज बंद हो रही है धीरे धीरे। यानी कोई भी व्यक्ति किसी रेजिमेंट में जा सकता है, रेजिमेंट वाला जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये एक नई चीज की है सेना के अंदर। यानी ऑल इंडिया मेरिट बेस नहीं, पहले क्षेत्र और जाति के आधार पर सेना के अंदर लेते थे, वो चीज अब नहीं करेंगे। क्षेत्र और जाति, कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में क्या हो सकता है, भर्ती हो सकता है। ये तो थे दोस्तों इसके हमने फायदों की जिक्र किया, युवा ज्यादा होंगे ठीक है, उस उम्र भी ज्यादा होगी। अब बात हम करते हैं इसके नुकसान की। यानी एक बंदा 10वीं क्लास वाला तैयारी की, उसने तैयारी करके वो सिलेक्ट हुआ, 4 साल चलो ठीक है उसकी पढ़ाई तो जारी है, लेकिन वो एक अलग प्रकार की सेना में 4 साल नौकरी करेगा, कितनी फिर उसमें से 25% सरकार ने रखी, 25 आगे के लिए रखी, 75 को भेज दी। नुकसान जो है वो सिर्फ इसी शब्द में है कि जो 75% भेज दिए गए उनका क्या होगा। उनको यहां आने के बाद ये जरूर है कि उनको जैसे बहुत सारे जैसे यहां राज्य और केंद्र की कोई भी नौकरी उनको वैसे ही मिलेगा, बता जैसे सेना को मिलता है ना, वो फायदे उनको भी दिया जाएगा, यानी आरक्षण दिया जाएगा ऐसा कहा गया है। जैसे सरकारों ने घोषणा की है कि हमारे पुलिस में हम देंगे, जैसे यूपी सरकार ने कह दिया कि हमारी यूपी पुलिस में उनको फायदा मिलेगा, वो चीज तो देंगे, ये तो अच्छी बात है कि 4 साल बाद उनको फायदा मिलेगा उस चीज का कि 4 साल हमने नौकरी की। सर किसी और देश में क्या? बिल्कुल, बहुत सारे देशों में ये चीजें हैं, जैसे इजराइल के अंदर है, बहुत सारे देशों में ये चीजें चलती भी है, ये फॉर्मूला चलता भी है। अब जो 75% होके आ गए समाज वापस, उनको नुकसान उन्हीं को है, चर्चा उसी चीज पे है, क्या वो समाज में सेट हो पाएंगे? क्योंकि समाज तो यही कहेगा थार में ही दम हो तो थे भोज में ही रह जाता, तो काट है 4 साल बाद थान काट दिया थे, काम का कौन रहा? ये वो कहीं मानसिक परेशान तो नहीं हो जाएंगे यहां आने के बाद में? ये बात ठीक है कि उनको पैसे भी दिए गए हैं, तनख्वाह दी गई है 4 साल के लिए, लेकिन यहां आने के बाद क्या समाज में वो सेट हो पाएंगे? जो कि आपने ब्याह और मतलब शादी, अब नौकरी लगती है आपको शादी वाला भी समस्या आ जाएगी कि भैया शादी बाद में करा, पहले 4 साल कर, वो मेन सर्टिफिकेट है वो दिखा कि विरोध 4 साल बाद काट दी थी। एक गरीब अगर बात 10वीं पास है, आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर वो इसमें भर्ती होता है उसके फायदा ही रहता है, क्योंकि मान के चलो 30,000 तनख्वाह से 3-4 लाख साल के होते हैं, 12-13-20 लाख 4 साल में वो 20 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेता है, और ये गरीब के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि 20 लाख रुपए 4 साल और साथ में पढ़ाई भी हो रही, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रिटायरमेंट होके आ गई वो समाज में सेट, क्योंकि बन के बोले ए फौज रिटायरमेंट हो रहा है, उम्र भी जा रहेगी 21 साल, बोला ना कि फौज रिटायरमेंट हो, वो समाज में सेट हो पाएंगे क्या? वहां से 4 साल करने के बाद वो यहाँ के कोई अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समाज में सेट हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कहीं मानसिक परेशान तो वो नहीं हो जाएंगे? वही चीज यहाँ पर नुकसान। अब इस चीज का पता तो वैसे देखे तो फील्ड में आने के बाद ये जो रनिंग होगी तब पता चलेगा, अभी तो हम कह नहीं सकते कि वो किस प्रकार से समाज में सेट हो पाएंगे। और जब वो इतने लोग हो जाएंगे कि कहीं सेना की वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगी, जैसे प्राइवेट जगहों में सेनाओं को अलग दिया जाता है कि भी सेना नौकरी करे दिए तो इनमें गार्ड रखा तो एक अलग, कहीं वो डाउन तो नहीं हो जाएगी सेना की, कहीं वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि इतने लोग आएंगे रिटायरमेंट हो के हर 4 साल बाद आएंगे, तो इस वजह से हो सकता है ये भी नुकसान हो। लेकिन फिर भी ये हमारी रक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, हर व्यक्ति को इसमें पक्ष और विपक्ष रखना जरूरी है, हर चीज में पक्ष विपक्ष होते हैं, हर चीज के फायदे। अगर आप राजनीतिक रूप से इसे देखेंगे तो आपको फायदा नुकसान कुछ ना कुछ ना, अगर आप तटस्थ नीति से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे फायदा, मैं अपने विवेक बता रहा हूं, कमेंट करके कुछ अनशन न बोले, अपने विवेक के आधार पे देखें तो कहीं ना कहीं भी, वैसे भी आप तैयारी करते हो, 100 बच्चे तैयारी करने जाते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? सिलेक्ट तो 25 ही होते ही नहीं 2500,
यहाँ पर सोम को ज्वाइनिंग देखिए, 4 साल उनको पैसे भी दिए, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है, हर युवा को सेना में काम करने का एक मौका भी मिला है, उस हिसाब से फायदा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में, हाँ ठीक है, उनको अगर आरक्षण की अच्छी व्यवस्था कर दी, बाद में वो कहीं जा सकते हैं, पैरामिलिट्री कहीं भी भर्ती हो सकते हैं, पुलिस में कहीं भी हो सकते हैं, उनको छूट मिलेगी, आरक्षण का भी प्रावधान कर रही है, तो उसमें उस हिसाब से देखें। लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, हाँ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, थोड़ी सी पढ़ाई, बाकी आपका अपना विवेक है, आप भी अपने कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सेना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, यहाँ 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग से एक परिपूर्ण फौजी बन पाएगा, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, तो हम आम नागरिक के हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए कि इसमें फायदे हैं कि नुकसान। आप भी अपने विवेक के आधार पर कमेंट करके बताइए क्या इसमें फायदा है या नुकसान है। हाँ, सरकार को 20,000 फौजी रोज हमेशा लेने थे हर साल, अगर 20,000 ही अब ले रही है तो कोई फायदा नहीं हुआ, 20,000 की जगह वह हर साल अगर 1,00,000 ले रही है तो ये तो अच्छी बात है, भी 4 साल में उनको माना कि 80,000 को बाहर कर देगी, लेकिन फिर भी अगर उससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना अगर वो ले रही है तो हर व्यक्ति को फौज में काम करने का, देश सेवा करने का ये मौका मिलेगा, लेकिन उतने ही अब भी ले रही है तो थोड़ा सा नुकसान है, अगर 3 गुना 4 गुना फिर इसकी थोड़ी सी 4 साल रखी गई, ये भी एक नुकसान है, अगर इसमें ज्यादा रखा जाए तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 साल थोड़ी सी कम है इस वजह से। बाकी आप भी समझदार हो, आप भी अपने कमेंट करके बताइए इसके फायदे नुकसान जो भी, मैंने अपने हिसाब से विवेचन किया, अब आप अपना खुद का फैसला है कि ये सही है या गलत है। ओके दोस्तों, थैंक यू।